So we will continue further today. I think all of you can hear me. Sabko awaaz aa rahi beta? Acha ji. To question bank ka question bank. Acha ji. To humne chapter start kiya tha. To chapter mein humne kuch entries padhi thi jinaab. तो कुछ एंट्रीज में आपसे पूछूंगा. मैं चाहूंगा कि एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ले लेता हूं. उसमें वो कुछ एंट्रीज वही जो हमने पढ़ी है उसको इंप्लीमेंट करना है. इसमें इस चैप्टर में हमने वो डबल एंट्रीज ही देखनी है. हमने कॉस्ट फ्लो देखना है कि कॉस्ट किस तरह से फ्लो करती है, किस तरह से हमारे पास कॉस्ट फ्लो करती है बेटा, यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है. तो मुझे आप ये बताएंगे अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू होगा, डायरेक्ट मटेरियल इशू होगा तो हम एंट्री क्या यहां पास करेंगे, क्या एंट्री होगी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल के लिए. हरी अब जरा सब लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे. डायरेक्ट मटेरियल के लिए क्वेश्चन बैंक मुझे चाहिए सबसे पहले. और स्टडी टेक्स है चैप्टर नंबर 5. हाँ जी, इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू करेंगे तो फिर एंट्री क्या पास करेंगे, जल्दी. हाँ जी, इनडायरेक्ट मटेरियल फाइन. अब मुझे ये बताएं कि जब हम सारे के सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स को ट्रांसफर करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पे, देन एंट्री के पास करते हैं. अरे अब सब लोग, अभी हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन में देख रहा हूं या क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन देखता हूं. क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन में हम यही सारी एंट्रीज पास करेंगे. हाँ जी, जब हमारे पास वर्क इन, हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम ट्रांसफर करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, देन एंट्री क्या होती है हमारे पास. डन. और जब हम वर्क इन प्रोग्रेस से कॉस्ट को फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करेंगे तो डन एंट्री के पास करेंगे. हरी अब और देन हम जब फिनिश गुड्स को सेल कर देंगे, सेल के केस में क्या एंट्री पास करेंगे. 5.1 चाहिए, ठीक है निकाल लेते हैं. स्टडी डेस्क खुल गया नीचे पीडीएफ, ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है ठीक है. डन. ठीक है ठीक है. कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री तो नहीं करेंगे यार, कॉस्ट फिनिश गुड्स कर लेंगे. लेकिन ये सारी चीजें हमने यहां पे कुछ मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर की बेटा, सब लोग स्क्रीन दे सकते हैं आपके साथ. मैंने भी स्क्रीन शेयर की है, ठीक हो गया. मैं चाह रहा हूं कौन सा सवाल करूं. चलो पहले ये यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं. नहीं, ये आपके पास सवाल है. अच्छा, सवाल से पहले मैं थोड़ा स्टडी टेक्स्ट को डिस्कस कर लूं. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा स्टडी टेक्स्ट देख लें यार, क्यों जी, क्या ख्याल है. ये कुछ चीजें हमने कल पढ़ ली थी. ये कॉस्ट फ्लो देखें जरा, ये हमने कल पढ़ा था यार आपके साथ कि डायरेक्ट मटेरियल. आई थिंक डबल एंट्री अगर मैं कर दूं तो आपको लेजर तो बना ही लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा लेजर कैसे बनता है. तो ये देखें सबसे पहले कॉस्ट कैसे फ्लो करती है. तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल हम एंट्री के पास करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल को डेबिट करेंगे, पेबल्स को हम क्रेडिट करेंगे या कैश को हम क्रेडिट करेंगे. इसी तरह डायरेक्ट लेबर को हम डेबिट करेंगे और हमारे पास कैश को या वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे.
फिर हम प्रोडक्शन ओवरहेड जितना भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उस सारी की सारी ओवरहेड्स में जाती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट करते हैं। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की सारी जितनी हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होती है वर्क इन प्रोग्रेस में जा रही होती है। ओवरहेड्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं, सारी वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगी। तो वर्क इन प्रोग्रेस से ये कॉस्ट कहां ट्रांसफर होगी हमारे पास, फिनिश गुड्स के अंदर। फिनिश गुड्स से कहां ट्रांसफर होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जनाब। जबकि हमारे पास नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये डायरेक्टली हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे एज एक्सपेंस। जी यहां तक इसमें कोई मसला है? ये स्टेटमेंट क्लियर है, ये फ्लो चार्ट क्लियर है बेटा सबको, कॉस्ट फ्लो चार्ट। 2 मिनट लगाएंगे जरा इसको देखने जरा एक। अच्छा ओवरहेड अगर अंडर एब्जॉर्ब होते या ओवर एब्जॉर्ब होते हमने उसके बारे में क्या बात की थी? हमने कहा था अंडर एब्जॉर्ब है तो हमारे हम इसको प्रॉफिट में जाके माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को मैं फिर क्या करूंगा उस केस में डेबिट कर दूंगा और अंडर एब्जॉर्ब को क्रेडिट कर दूंगा। अगर ओवर एब्जॉर्ब है तो हमें फायदा हो रहा है, तो ओवर एब्जॉर्ब को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो बहर एब्जॉर्ब ओवरहेड अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें कुछ जरा एंट्री पास करनी पड़ती है हमें। तो ठीक हो गया जनाब, कॉम्प्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें थोड़ा सा आप इसको क्या देखेंगे इसमें जरा। हाँ जी देखिए बेटा इसको, इसमें क्या नई चीज है यार, इस फ्लो चार्ट में बताया मुझे नई चीज क्या, जल्दी 2 मिनट लगाएंगे इस पर। मैंने आपको मैं चाह रहा हूं मैंने प्रैक्टिस सवाल एक करना है द टाइम इस पे हम जल्दी इसको करें ताकि मैं प्रैक्टिस सवाल पे जाऊं। हाँ जी क्या कह रहा है हमारे पास, डायरेक्ट मटेरियल कहां ट्रांसफर होगा, डायरेक्ट जितनी में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल सारे सारे वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। अब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में जा रहा होगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या बनाया जा रहा है हमारे पास, प्रोडक्शन ओवरहेड ये भी सारे के सारे कहां ट्रांसफर होंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। वेजेस कंट्रोल अकाउंट बन रहा है, डायरेक्ट लेबर अकाउंट नहीं बन रहा है, याद है यहां पर हम क्या बना रहे हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, यानी इसमें डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस सारी की सारी आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो फिर क्या करते हैं, हम जितनी भी लेबर कॉस्ट है सारी वेजेस कॉस्ट में डाल देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा, जितनी भी डायरेक्ट लेबर होती है वो वर्क इन प्रोग्रेस में चलेगी, यानी वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। ठीक होगी बात बेटा, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी हमारे पास उसको हम ओवरहेड्स में डाल रहे होते हैं। और अगर कोई हमारे पास लेबर ऐसी है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रही, बाकी डिपार्टमेंट नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वहां पर काम कर रही बेटा, तो वो जो उनकी जो लेबर होगी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो लेबर होगी वो हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर होगी, वो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में जाके मैं ट्रांसफर कर दूंगा। और जितनी मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड की जिनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर होगी लेकिन होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो मैं प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पे। यानी वेजेस कंट्रोल अकाउंट एक ब्रॉड हम अकाउंट बना रहे हैं जिसमें हर तरह की वेजेस है, प्रोडक्शन की भी है नॉन प्रोडक्शन की भी है, डायरेक्ट लेबर भी है इनडायरेक्ट लेबर भी है, जितनी भी डायरेक्ट है और प्रोडक्शन की है वर्क इन प्रोग्रेस में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी, जितनी भी इनडायरेक्ट है और हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं या डायरेक्टली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जितनी भी हमारे पास नॉन प्रोडक्शन की हमारे पास लेबर की कॉस्ट है वो हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रांसफर कर देंगे, और अल्टीमेटली नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में भी ट्रांसफर होना होता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके। तो नई बात नहीं है, हमने ये सेम वही बात की, नई बात है नहीं इसके अंदर, क्योंकि नई बात है यहां पर कोई मसला यहां तक बेटा, इस कोर्स फ्लो में कोई मसला, कॉस्ट का फ्लो पता होना चाहिए कि ये चीज जानी किधर है। ठीक हो गया, ये बात याद रखें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगी, प्रोडक्शन ओवरहेड ने अल्टीमेटली वर्क इन प्रोग्रेस में जाना होता है। अच्छा जितनी भी इसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा जितनी भी कॉस्ट होती है, बेशक वो मटेरियल है बेशक वो लेबर है बेशक कोई भी कॉस्ट हो, वो सारी की सारी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में जा रही है। यहां इस सवाल में उसने वेजेस कंट्रोल अकाउंट लिया हुआ है, ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट भी लिया जा सकता है कि कोई ऐसा मटीरियल जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है तो वहां हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक होगी बात, तो मसला बेटा क्लियर, अंडरस्टैंड, चले आगे जरा। ठीक होगी बात,
मैं लिख के भी इसको करवाता हूँ नॉर्मली, लेकिन हम टाइम सेव करें कि हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़े। अच्छा यहाँ थोड़ा अंडर ओवर एब्जॉर्ब को थोड़ा सा देख लीजिएगा यार, क्या एंट्री पास करते हैं अंडर एब्जॉर्ब। सिंपली एक बार याद रखें कि अंडर एब्जॉर्ब ने हमारे प्रॉफिट में जाके माइनस होना होता है। माइनस होने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट को हमारे कम करेगा। प्रॉफिट को कम करने का मतलब क्या है कि ये हमारे एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, तो एक्सपेंस को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो हम अगर अंडर एब्जॉर्ब है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हमेशा हम डेबिट, यानी कि ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा, या कॉस्ट ऑफ सेल में जाके हम इसको एब्जॉर्ब करवाएं तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रहा होगा हमारा। ओवर एब्जॉर्ब है हमारे पास किसी भी किस्म का ओवर एब्जॉर्ब है तो वो हमारा प्रॉफिट है। ओवर एब्जॉर्ब है उसने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ने इससे इंक्रीज होना होता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब उससे इंक्रीज होता है हमारे पास, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इंक्रीज करता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, ओवर एब्जॉर्ब को हम डेबिट कर रहे होते हैं। यहां तक कोई मसला? इसकी एंट्री में करके दिखाऊंगा आपको, आगे जाके आएगी। इसकी एंट्री पास करनी होती है, डालना तो हमने इसको ओवरहेड के अंदर ही होता है, लेकिन डालना कैसे होता है बस ये, प्रॉफिट में भी डाल सकते हैं, हमारे हमारी मर्जी होती है, हम इसको प्रॉफिट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं जरा आगे चलता हूं, अब आगे जाके ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगे। अभी एग्जांपल बनी हुई, मैं चाह रहा हूं पास पेपर की एग्जाम्पल करूं, ना मैं पढ़ू, मैं आपको वो वाली एग्जाम्पल करवा देता हूं उसकी क्वेश्चन बैंक से, तो ये एग्जाम्पल आप कर सकेंगे। एंट्रीज जस्ट देख लें यार, डबल एंट्री आपके सामने बनी जरा। रॉ मटेरियल परचेज किया तो क्या एंट्री पास करते हैं यार, इन्वेंट्री डेबिट, पेबल्स क्रेडिट, ये इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ये एंट्री क्लियर है। वेजेस को जब पेमेंट करते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री भी क्लियर है। जब हम ओवरहेड इनको एक्सपेंस इनकी करते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये भी एंट्री ठीक है। और इसके अलावा रिकॉर्ड प्रोडक्शन डेप्रिसिएशन, अच्छा कोई भी एक्सपेंस हमने ओवरहेड्स में रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना, तो ओवरहेड्स डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ओवरहेड डेबिट, जो भी हमने ओवरहेड्स को हमेशा डेबिट करना है, जो भी रेलेवेंट अकाउंट उसको हम क्रेडिट कर देंगे। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कैश क्रेडिट, तो एंट्री सिंपल है यार, हो जाएंगी, क्या ख्याल है? क्योंकि सिंपल है बेटा, हो जाएंगी ना ये एंट्रीज। जरा आगे भी देख लीजिएगा यार, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती कहां जाती है, ओवरहेड्स में, तो इनडायरेक्ट वेजेस कंट्रोल, यानी वेजेस कंट्रोल अकाउंट से जितने भी इनडायरेक्ट हमारे पास लेबर है, ओवरहेड डेबिट को कर देंगे और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है तो ओवरहेड को डेबिट कर देंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये एंट्रियों में कोई मसला बेटा, किसी को कोई मसला? सर डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का क्या अकाउंट अलग अलग बने? यस, नहीं मटेरियल का अकाउंट एक ही बनेगा जब एंट्री अलग अलग होगी यार, नहीं एक ही मटेरियल अकाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, हम कह देंगे, यू कह देंगे कि यार वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, और फिर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, तो एक ही अकाउंट से हम चला देते हैं, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डिपेंड कर रहा है कि हमारा इंटरलॉकिंग सिस्टम है इंटीग्रेटेड सिस्टम, लेकिन हम एक ही से चला देते हैं। ये देखें जरा, अब एंट्री देखें जरा, इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू वर्क इन प्रोग्रेस, यार ये पता ही है, डायरेक्ट मटेरियल इश्यू करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे, इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डायरेक्ट लेबर होगी वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कोई हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो हम यहाँ अल्टीमेटली सारे ओवरहेड भी किसमें आते हैं, हमने बात की थी सारे ओवरहेड किसमें ट्रांसफर होने होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देंगे और ओवरहेड्स को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहां तो कोई मसला। फिर सारे के सारे हमारे पास वर्किंग प्रोग्रेस में कहां ट्रांसफर होना होता है, फिनिश गुड्स में, तो फिनिश गुड्स को डेबिट कर देंगे, वर्किंग प्रोग्रेस को क्रेडिट, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी बोल रहे हैं, फिनिश गुड्स बोल रहे हैं, फिनिश गुड्स डेबिट और वर्किंग प्रोग्रेस क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास। फिर अल्टीमेटली सारे के सारे फिनिश गुड्स ने कहां जाना होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे यहां पे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम यहां भी क्या किस तरह से ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे हम।
क्या बात की थी मैंने अभी आपके सामने, अंडर एब्जॉर्ब होगा तो ओवर एब्जॉर्ब होगा क्या एंट्री करेंगे, अंडर एब्जॉर्ब हमारा लॉस एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होता है, ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ओवर एब्जॉर्ब है हमारी इनकम होती है फायदा होता है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब इनकम बढ़ेगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम डेबिट क्रेडिट करेंगे, हम यहाँ पे ओवरहेड को डेबिट करेंगे, तो पता ही ना आपको। इन सारी एंट्री में किसी भी एंट्री में कोई मसला जल्दी बताएं, हम बेटे सारी की सारी एंट्रीज क्लियर है। किसी एंट्री में कोई मसला भाई जल्दी, किसी भी एंट्री में कोई मसला नहीं, फाइन डन। अब ये देख लें यार थोड़ा सा, ये भी सिंपल एंट्री है, सेल्स करते तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिट पे सेल की हमने, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ जी, सेल्स अल्टीमेटली कहाँ जाती है हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो सेल्स को डेबिट करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट भरते हैं, हमारी इनकम बढ़ती प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट, फिर सारे का सारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहाँ जाना होता है, इन बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग में पता होगा आपको, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट रिटेनिंग क्रेडिट, अगर लॉस हो रहा होगा तो डी एंट्री होगी हमारे पास, इनकम हो रहा होगा तो यही एंट्री होगी, तो खैर बर इस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। अच्छा यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये एंट्रीज क्लियर होगी, अब हम आते हैं सवाल के ऊपर, सवाल में मैं एंट्री बताता जाऊंगा, आपने लेजर आई थिंक बना लेंगे, ये कहते हैं तो मैं लेजर बना भी दूंगा, लेकिन ये सवाल भी आपको, आपने बेटा ये सवाल देखना है, सबको नजर आ रहा है ना, ये 5.1 सवाल है मेरे पास, दो मिनट लेंगे सवाल को पहले पढ़ लेना, खिल नहीं रहा सवाल, लेकिन ये सवाल है क्या, तो ओपन लेजर अकाउंट फॉर द अबव आइटम्स इन द कॉस्ट लेजर, हाँ जी लेजर अकाउंट आपने सबके बनाने हैं, पोज द फॉलोइंग आइटम्स विच ऑकर्ड इन द फोर मंथ पीरियड अप टू द 31st October एंड ओपन अप अदर अकाउंट्स एज कंसीडर्ड नेसेसरी इंक्लूडिंग अ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक हो गया ना, दो मिनट लगाए पहले सवाल को पढ़ लें फिर मैं डिस्कस करता हूं,
हाँ जी बेटा एंट्रीज को देखते हैं, सवाल देखने लगा मैं जरा क्या कह रहा है। मैं आपको आइडिया दे दूंगा, पहले कुछ बनाते हैं चले। क्या तो सवाल रीड करता हूं मैं। एट फर्स्ट जुलाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट फर्स्ट जुलाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन इट्स कॉस्ट लेजर। जी जनरल लेजर पहले ही बना हुआ हमारे पास, जनरल लेजर बना हुआ है उसमें ये बैलेंसेज हमें ऑलरेडी उससे बताए हुए हैं कि उसमें ये बैलेंसेज आपको ऑलरेडी गिवन है। ये 5625 यहां पे बैलेंस इन ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास क्रेडिट बैलेंस उसमें कितना गिवन है, 5625 पे गिवन है हमारे पास। तो 5625 का बैलेंस उसमें ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, एक तो जनरल लेजर के अंदर गिवन है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट उसमें बैलेंस कितना गिवन है, 2125 का बैलेंस गिवन है। उसके बाद हमारे पास फिनिश गुड स्टॉक कंट्रोल अकाउंट उसका बैलेंस कितना गिवन है, उसमें 1500 का बैलेंस गिवन है। और वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर बैलेंस कितने गिवन है, 2000 का बैलेंस गिवन है। क्योंकि ये बात समझ आती है, अगर मैं अकाउंट बना दूं इसके आपको लाइक मैं क्या करता हूं इसमें बना दू यहां देखें, एक मैं बनाता हूं यहां पे जनरल लेजर अकाउंट। आइडिया देता हूं आपको, ये जनरल लेजर, ये कंट्रोल अकाउंट बना हुआ, चलो ये अमाउंट बस एक अकाउंट है। ठीक हो गया बेटा बात। अच्छा इसमें क्या बैलेंस दिया था सवाल के अंदर, कितना बैलेंस बताया था क्या, 5625। और ये क्या गिवन था, क्रेडिट बैलेंस था 5625। तो 5625 क्या था, क्रेडिट बैलेंस। तो 5625 ये क्रेडिट बैलेंस से ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस बोल देते हैं कि हमारे पास इसमें ये ओपनिंग बैलेंस गिवन। ठीक हो गया। अच्छा एक दूसरा अकाउंट क्या गिवन था इसमें सवाल देखने जरा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल का कह लें आप, स्टोर लेजर का है हमारे पास फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस के। तो ठीक है हम क्या करते हैं यहां पे, एक हमारे पास है स्टोर लार्जर का, यहीं लिख देता हूं मैं स्टोर लार्जर। ठीक हो गया बेटा, ये कंट्रोल अकाउंट है इसमें लिख लीजिएगा स्टोर लार्जर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा क्या उसने बताया, फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का और वर्क इन प्रोग्रेस का। मैं इसको यूज कर लेता हूं, नंबर करना पड़ेगा हमारे पास क्या है, एक फिनिश गुड्स बेटा और एक क्या है मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस है, यहां बना लेता हूं मैं। चलो वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ जी कितने कितने बैलेंसेस गिवन थे इसमें सवाल भी देख लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या है 2000, फिनिश गुड्स का 1500, दो डेबिट बैलेंस इसका हमेशा होता है, इसका 2000 है, फिनिश गुड्स का 1500। ये क्या है हमारे पास, ये इनके ओपनिंग बैलेंसेज है, ओपनिंग बैलेंसेज है, ये बता दिए उसने ओपनिंग बैलेंस दिया। और स्टोर लेजर कितना है, 2125 स्टोर लेजर का हमारे पास कितना है, 2125 यहां लिख देता हूं मैं 2125 ब्रॉड फॉरवर्ड। क्योंकि यहां तक कोई मसला किसी को, क्यों बेटा सबको ये बात समझ आ गई यहां तक, क्योंकि यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर अंडरस्टैंड। ये ओपनिंग बैलेंसेज मैंने पुट की है, अब दो चार एंट्री मैंने करके दिखानी और वहां से आपने पिक कर देना हमने एंट्री कैसे करनी। अच्छा सवाल में मैं आता हूं वापस, क्या कह रहा है सवाल के अंदर, ये सवाल है पहली एंट्री देखिए था स्टॉक मटेरियल परचेस्ड। हाँ जी बताएं जरा, हमने 12000 का स्टॉक मटेरियल क्या किया यहां पे, परचेज किया 12000 का हमने परचेज किया। अब परचेज अच्छा यहां पे हमने कैश या पेबल्स वगैरह ऐसे यूज नहीं करना, हमने यहां पे एक जनरल अकाउंट हमारे पास लेजर का बना हुआ है उसको हम यूज करेंगे। तो स्टॉक मटेरियल 12000 का हमने परचेज किया, तो मैं यू कहूंगा कि स्टॉक अकाउंट डेबिट यानी स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी हमने स्टॉक मटेरियल का अकाउंट बनाया, स्टॉक मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर देंगे और लेजर अकाउंट यानी कॉस्ट जनरल लेजर जो हमने जनरल बनाया हुआ है जनरल अकाउंट, वो जनरल अकाउंट जनरल लेजर का अकाउंट को हम यहां पे क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ठीक है, यानी जितनी भी एंट्री हमने यहां पे पुट करनी है वो वैल्यूज हमारे पास जनरल लेजर से आ रही होंगी। तो ठीक है हम यहां पे स्टॉक मटेरियल अकाउंट को 12000 से डेबिट कर देंगे और जनरल लेजर अकाउंट को हम 12000 से क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे हम एंट्री करते हैं, यहां पे इसको 12000 से मैं डेबिट कर देता हूं अभी बेटा, यहां 12000 डेबिट आ जाएगा
यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जनरल लेजर जीएल में लिख देता हूं चले। और ये जनरल लेजर के अंदर यहां पे मैं जाके जनरल लेजर अकाउंट के अंदर 12,000 यहां पे मैं इश्यू करता हूं यहां से, ये के कहां गया है, ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में जा रहा है हमारे पास लाइक दिस। तो मैं यही कहता हूं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक होगी बात यहां तक, कोई मसला बेटा इसमें कोई इश्यू, इज इट क्लियर? दो तीन एंट्रीज आप देखेंगे आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी सर, ये समझ नहीं आई क्या बात बेटा, समझ नहीं आई इसमें आयशा बेटा, क्या बात समझ नहीं आई? जितनी भी एंट्रीज करेंगे हमने स्टॉक मटेरियल परचेज के, हम किससे परचेज करेंगे, हम नॉर्मली कैश पे परचेज करेंगे। तो यार कैश कहां से पे करेंगे, हम एक जनरल लार्जर अकाउंट बनाते हैं ठीक है, जिसमें तमाम आइटम्स आती है, जितनी भी हमारे पास आइटम्स आएंगी मटेरियल के अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, जितनी भी हमारे पास चीजें आएंगी वो पहले हमारे पास जनरल लेजर में आएंगी, वहां से चीजें आ रही है, कंबाइंड सिस्टम बना रहे हैं ना हमारे पास, अभी हम पढ़ाऊंगा आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या करते हैं, एक जनरल लेजर बना लेते हैं कि जितना भी मटेरियल परचेज किया पहले जनरल लेजर में आएगा, जितना भी हमने वेजेस को पे किया पहले जनरल लेजर में आएगा, जो ओवरहेड्स को पे किया जनरल लेजर में आएगा। तो जनरल लेजर से आगे भी हमारे पास मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में, लेबर अकाउंट में, यानी लेबर अकाउंट के अंदर, और फिर आगे वो वर्क इन प्रोग्रेस से ओवरहेड्स में इस तरह से ट्रांसफर होता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आके इस तरह से इसको ट्रांसफर करते जाएंगे। सेकंड एंट्री देखेंगे, स्टॉक मटेरियल इश्यूड टू द प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, इश्यूड टू द प्रोडक्शन का मतलब क्या है, हमने कितना मटेरियल इश्यू किया 12,500 का, 12,500 का ये प्रोडक्शन की बात करें तो ये डायरेक्ट मटेरियल ही होगा यार। तो डायरेक्ट मटेरियल जब हम इश्यू करते हैं बेटा तो किसको डेबिट करेंगे, क्या एंट्री करते हैं जल्दी बताएं मुझे जरा, स्टॉक मटेरियल इश्यू टू द प्रोडक्शन, जब भी डायरेक्ट मटेरियल इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या होती है, हरिया भरिया भरी सब लोग बताएं बेटा, जब हम डायरेक्ट मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस टू मटेरियल अकाउंट, ठीक है हो गया बिल्कुल। अब यहां पे डायरेक्ट मटेरियल अकाउंट नहीं, यहां मटेरियल अकाउंट ही है, तो हम 12,500 को यहां से निकाल देंगे और वर्क इन प्रोग्रेस में ले जाएंगे। तो 12,500 से मैं क्या करूंगा, यानी स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट को 12,500 से यहां से मैं ये 12,500 निकाल दूंगा, यहां से वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस को मैं जाके डेबिट कर दूंगा, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट को मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा। तो ठीक है, एक और अकाउंट फिर बना लेते हैं, ये वर्क इन प्रोग्रेस का बना हुआ है, तो 12,500 जाके मैं यहां पे जाके 12,500 इसके अंदर हमारे पास कहां से आया, ये स्टोर लार्जर से आया, तो स्टोर लार्जर से हम यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक होगी बात, इज इट क्लियर? अच्छा आगे एंट्री वन बाय वन देखते जाते हैं, ऐसा आइडिया होता जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखिए, स्टॉक में इशू टू द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब मुझे ये बताएं यार, ये मटेरियल है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को आपने 1,000 का मटेरियल इशू कर दिया, अब ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ये मटेरियल इशू करने की, ये डायरेक्ट मटेरियल होगा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, जल्दी जल्दी जो इनडायरेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल फिर हम कहां ट्रांसफर करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल जब इश्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो ठीक है, कितने का 1,000 का है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रांसफर करना है हमने, तो 1,000 से हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रांसफर करना है, तो 1,000 तो मैं यूं कहूंगा कि ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, यहां से इश्यू करेंगे हम 1,000 और ये कहां चला जाएगा हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का हमने अकाउंट अभी नहीं बनाया तो वो बना लेते हैं यहां पे, तो मैं यहां पे एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट बना लेता हूं, नहीं जना मैं बना लेता हूं, ये पीएच में जाकर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पीएच में यू क्या 1,000 आगे कहां से आया, ये स्टोर लार्जर से आया, स्टोर लार्जर कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर हो गया, पीएच के लिए फैक्ट्री ओवरहेड यही की बात है बेटा। ठीक होगी बात, इज इट क्लियर? अच्छा आगे बताया था मुझे, आगे आगे चलते हैं। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है यार, डायरेक्ट वेजेस कितनी है 10830, ठीक हो गया। अच्छा अच्छा डायरेक्ट वेजेस, अब डायरेक्ट वेजेस को जब आप पे करते हैं, हाँ जी बताया था मुझे, आप हमने डायरेक्ट वेजेस को कितना पे किया, हमने डायरेक्ट वेजेस को कितना पे किया, मैंने पहले भी बात की कि जब मटेरियल परचेज करेंगे कहां से परचेज करेंगे, जनरल लेजर अकाउंट से, जब लेबर को पे करेंगे तो कहां से पे करेंगे, जनरल लेजर से। तो सारी एंट्री जब स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले इसको जनरल लेजर अकाउंट में डालते हैं, वहां से आगे ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे फिर एंट्री क्या होगी हमारे पास, तो हम कहेंगे ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट है हमारे पास, हमने ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर जरूर कर रहे होंगे कि हमारे पास ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अच्छा मुझे बताएं जरा, अब इसके अंदर बात कर रहे हैं, हाँ जी अब ये क्या है। अच्छा एक और चीज नीचे लिखी हुई है, ये भी जरा पढ़ लेना,
क्या क्या है उसमें? उसने ये कहा हुआ कि इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट वेजेस इज इनडायरेक्ट वर्क, इसमें इनडायरेक्ट वर्क भी शामिल है, कितना 600 का, वो 600 माइनस कर लें। हम जब डायरेक्ट वेजेस हमारे पास, पहले तो बात है टोटल कंबाइंड कॉस्ट कितनी बनती, 10830 हमारे पास ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट, हम वेजेस को लिए पे करें 10830, तो 10830 हम टोटल वेजेस को पे करें, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कैश पे किया तो हम कैश को क्रेडिट करते, लेकिन यहां हमने कैश नहीं चलाना, नहीं पेबल चलाने, हमने कैश और पेबल्स की बजाय हमने जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट को चलाना है। तो वेजेस अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 10830 से, और मैं इसको जनरल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 10830 से। तो 10830 से मैं क्या करूंगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट है हमारे पास, को वेजेस कंट्रोल अकाउंट यहां पे देख लेते हैं, नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट वेजेस का बना लिया मैंने, इसमें मैं 10830 से मैं क्या करूंगा, ये जनरल एड्रेस लेके आऊंगा इसको, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और कैश को क्रेडिट नहीं करना, पेबल्स को हमने क्रेडिट नहीं करना, हमने किसको जनरल एड्रेस लेके आना, तो 10830 तो ये कहां से आएगा हमारे पास, 10830 कहां से आएगा, जनरल एड्रेस से आएगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी मेरे को जनरल एड्रेस से ट्रांसफर होंगी, तो मैं वेजेस के अंदर इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, वेजेस अकाउंट डेबिट, जनरल अकाउंट डेबिट क्रेडिट। अब हुआ क्या कि वेजेस में से कुछ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, कुछ इनडायरेक्ट लेबर है, जितनी भी डायरेक्ट लेबर है वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो जाएगी, जितनी भी इनडायरेक्ट लेबर है बेटा वो कहां ट्रांसफर होगी, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में ट्रांसफर हो जाएगी। तो कितनी उसने सवाल में बताई थी मैं, हाँ जी देखिए ना, उसने कहा था 10830 टोटल है, इसमें से 600 क्या हमारे पास 600 वो इनडायरेक्ट है, तो 600 जो इनडायरेक्ट है बेटा वो कहां जाएगी, हाँ जी 600 जो इनडायरेक्ट है वो कहां जाएगी, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में चली जाएगी, और बाकी जो 10 बाकी क्या बचा, 10230 बचा, अल्हम्दुलिल्लाह, हां जी 10230 बाकी बचा ना, इसमें उसने कहा है 10830 में कुछ इनडायरेक्ट वर्क शामिल, तो वो इनडायरेक्ट मैंने अलग कर दिया, तो वो मैंने अलग कर दिया, 600 में यहां से निकाला, और यहां ये कहां चला जाए, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और इनडायरेक्ट लेबर के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक होगी बात बेटा। बच्चा कह रहा है कि आपने स्टोर लेजर में डाल दी, एक मिनट बेटा मैं देख लेता हूं, स्टोर लेजर में नहीं डालना, इसको हमने जनरल लेजर में डालना, अच्छा यहां डाल दिया मैंने, गलत डाला इसको, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऊपर डालना है मैंने इसको, हाँ जी 10830 बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं आप, 10830 यहां आएगा, ये हमारे पास वेजेस में चला गया, ठीक हो गया। कुछ जितना भी मटेरियल, पहले मटेरियल की एंट्री हुई, फिर लेबर की एंट्री हुई, हाँ जी यहां तक कोई मसला बेटा, यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, जब डायरेक्ट लेबर को इशू किया, जितने भी डायरेक्ट लेबर थे वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर दी, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है वो हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को जाके डेबिट कर दिया, यहां तक कोई मसला, इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड, नेक्स्ट एंट्री जनाब, नेक्स्ट एंट्री, हाँ जी अब क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड 4200 की क्या एंट्री होगी, देखें खुद सोचेंगे, डायरेक्ट लेबर हम जितनी भी मटेरियल की कॉस्ट कहां से आई, जनरल लेजर से आई, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, जितनी भी वेजेस की कॉस्ट वो कहां से आई, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहां से आएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स डेबिट और जनरल लेजर अकाउंट क्रेडिट, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने इनकर हो गए हमारे पास 4200 की, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम डेबिट कर देंगे, और हम ये सारी की सारी वैल्यू कहां से लेके, जनरल लेजर से लेके आएंगे, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जनरल लेजर को यहां पर, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को मैं यहां पर 4200 से डेबिट कर देंगे, यहां पर 4200 से इसको डेबिट कर देंगे हम, कहां से आएगा, जनरल लेजर से, और जनरल लेजर को मैं क्या करूंगा यहां पे 4200 से मैं क्रेडिट कर दूंगा, तो 4200 से जनरल लेजर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो 4200 से हम जनरल लेजर को हम यहां पे
वेट स्टोर में जलना जी। तो ये 4200 से मैं क्या करूंगा इसको, इसको मैंने 4200 से क्रेडिट कर देना यहां से, ये कहां जाएगी वैल्यूज, ये वैल्यू जा रही मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स पीयूएच के अंदर। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में कुछ कॉस्ट इंक्र हुई है, देखिए पहली कॉस्ट कौन से वाली मेरे पास यहां बता दूंगा आपको, मेटीरियल जितना भी इंक्र हुआ यहां से, लेबर जितनी भी इंक्र हुई यहां से, ओवरहेड जितनी भी इंक्र हुई यहां से कॉस्ट। तो रेस्पेक्टिव अकाउंट को हम डेबिट करते जाएंगे, ये अकाउंट हम यहां पे क्रेडिट करते जा रहे हैं। हां जी यहां तक कोई मसला क्लियर होगी बात यहां तक। इसके बाद एंट्री देखें जरा, हां जी हां जी बेटा क्या मसला है इसमें, पीयूएच में 6% नहीं आएगा, आएगा यार पीयूएच में ये, अच्छा यहां ये पूछना चाहिए, ये भी आना है यार, बिल्कुल आना है। वेजेस से हमने यहां से निकाला, मैं थोड़ा ये भी एंट्री कर, मैं आई अंडरस्टैंड कि यार आप ये एंट्री कर लेंगे, तो हम पीयूएच में हम यहां पे 600 ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल ना ऐसे ही कि 600 हमारे पास पीयूएच में चला जाएगा, ये वेजेस से आ जाएगा, और ये 1020 कहां जाएगा जल्दी बुझाए मुझे, 1020 कहां जाएगा, ये 1020 ये कहां जाएगा, 1020 वो यहां चला जाएगा। आई थिंक आप बना लेंगे इसको, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा इसको कि आई अंडरस्टैंड कि आप इसको कर लेंगे, मैं एंट्रीज बता रहा हूं ठीक है। आपको मेन चीज आपको समझ आनी चाहिए, समझ आ रही ना बेटा आपको, तो अगर एंट्री एक मैं बता रहा हूं और एक तरह से करके दिखा रहा हूं, अंडरस्टैंड को दूसरा फैक्ट आप डाल लेंगे इसका, वो डल जाएगा, ठीक होगी बात बेटा। अब आगे चलते हैं, इस पे आता हूं फिर, अब जरा एंट्रीज को डिस्कस करते चलते हैं, होती जाएंगे एंट्रीज अब कर लेंगे। हां जी बताएं आगे जरा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्रोडक्शंस, कितने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब हुए हमारे पास, 5800 के, 5800 के हमारे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड हुए। तो क्या एंट्री होगी, यानी एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, पहले ये देखने का एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि हमने प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल के वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दिया, ऐसे ही करते थे ना हमारे पास जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारा ओवरहेड्स होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है। तो अल्टीमेटली सारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम क्या करते हैं, हम उसमें एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, फिर एब्जॉर्प्शन करते थे, सारे के सारे ओवरहेड्स हम एक यूनिट की कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते थे। उसने लिखा कि यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्रोडक्शन, ये एक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने वर्क इन प्रोग्रेस में जाके शामिल हो रहे हैं, यानी हम यू कहेंगे कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पीयूएच हम यहां पे इसको क्रेडिट कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर हो रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस को जाके हम इस अमाउंट से डेबिट कर देंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हमारे पास यहां पे क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा इस अमाउंट से हमारे पास 5800 और पीयूएच को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक हो गया। यानी एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस 5800 से डेबिट और पीयूएच हमारे पास 5800 से क्रेडिट। जल्दी जरा ये वर्क इन प्रोग्रेस तैयार यहां कर देता हूं, ये 5800 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये 5800 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहां मैं WIP लिख देता हूं, यहां मैं पीयूएच लिख देता हूं, ठीक होगी बात, अंडरस्टैंड। यानी पूछा कि कितनी हमारे ओवरहेड जो है ट्रांसफर हुए हैं यहां पर, तो कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफर की है, तो वो अमाउंट हमारे पास निकालेगी। अगर आप इसको ऐड करेंगे ना, ये 5800 ही बनेगा, मतलब ये आप कर लेंगे काम। मेन चीज है एंट्रीज, एंट्रीज क्या हो रही है, अगर आप एंट्री समझे पहले आप, तो जनरल लेजर अकाउंट तो आप बना ही लेते हैं, आपने इतनी दफा फॉर्म 1 में पढ़ा होगा, ये बनी जाते हैं, ये सिंपल। हाँ जी नेक्स्ट एंट्री देखें जरा क्या कह रहा है, वर्क ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स एट कॉस्ट 24,000, क्या एंट्री होगी जल्दी बताएंगे। करेक्ट है, हमने यहां पे क्या किया कि वर्किंग प्रोग्रेस जब हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब हुए, अब वर्किंग प्रोग्रेस तो कंप्लीट हो गया, तो वर्किंग प्रोग्रेस से कॉस्ट निकले के कहां जाएगी, फिनिश गुड्स स्टॉक के अंदर। तो क्या एंट्री होगी, कितनी कॉस्ट फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर हो रही 24,000, जल्दी बताएं मुझे एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स टू वर्किंग प्रोग्रेस, एग्जैक्टली। तो फिनिश गुड्स को मैं डेबिट कर दूंगा 24,000 से, बिल्कुल बेटा, और वर्क इन प्रोग्रेस को मैं क्रेडिट कर दूंगा 24,000 से, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिनिश गुड्स का अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस को मैं 24,000 यहां आ जाएगा, तो 24,000 वर्क इन प्रोग्रेस से निकल जाएगा, ये कहां चला जाएगा,
फिनिशर्स के अंदर, तो फिनिशर्स में जाके हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। भाई फिनिशर्स ने अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया, खैर अगर नहीं भी बनाया तो बना लीजिएगा कि फिनिश गुड्स ये, तो ये कितना था 24,000 है ना, कितनी वैल्यू में बताइए अभी आपको, जो भी सवाल में दी हुई कितनी है, दैट इज 24,000, फाइन। तो 24,000 यहां आके डेबिट हो जाए, कहां से आ रहा है ये, वर्किंग प्रोग्रेस से आ रहा है, डन हो गया। आप समझ आ गई बात सबको, हो जाएगा ना यार, आसान ही है। अब आगे जब प्रोडक्शन फिनिश गुड्स, ये हमारे पास फिनिश वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो चुका है, फिनिश गुड्स से आगे कहां जाना है, कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी अमाउंट जा रही है, 28,150 जा रहा है, क्या एंट्री होगी, यानी फिनिश गुड्स अब ट्रांसफर हो रही है कॉस्ट ऑफ सेल में, तो कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी अमाउंट जा रही है हमारे पास, ये 28,150 आ रहा है, एंट्री क्या होगी, जल्दी बताएं मुझे जरा, एंट्री जल्दी, फिनिश गुड्स से आगे एंट्री, फिनिश गुड्स से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा एक बच्चे ने कहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू एफजी, नहीं यार प्रॉफिट लॉस तो मैंने नहीं पढ़ाया आपको, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ाया था, कॉस्ट ऑफ सेल बताया था आपको, ये आप करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल के अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे यहां पर हम, 28,750, तो बेशक बना लें अकाउंट, बना लें आप इसको, बन जाएगा अकाउंट यहां पर, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट, तो फिनिश गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को जाके हम डेबिट कर देंगे। ये पानी चाहिए यार, पानी भी पहुंचाना। हाँ जी, यहां तक कोई मसला, इज इट डन, बिल्कुल। हाँ जी, जो अमाउंट बड़े सवाल में दी हुई है, कितनी अमाउंट दी हुई है, कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास 22,500 है, तो हम 22,500 कॉस्ट ऑफ सेल में जाके डेबिट कर देंगे, फिनिश गुड्स में हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये जो अकाउंट्स पर आ रहे हैं ना, कुछ कुछ अकाउंट्स के हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी आएंगे, तो बैलेंस भी हम निकालेंगे कि फिनिश गुड्स में क्लोजिंग बैलेंस कितना रहेगा, बाकी बैलेंस कितना रहेगा, तो रह जाएगा। तो 22,500 से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देंगे और फिनिश गुड्स ये हमारे पास फिनिश गुड्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, डन, ये हो जाएगी ना एंट्री, समझ आ गई। अच्छा सेल्स हमने की है 28,750, क्या एंट्री करेंगे, अभी हमने बात की थी सेल्स के केस में क्या एंट्री करते हैं, जल्दी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू सेल हो गया। अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू सेल, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ाया यार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ने क्या सेल में जाना होता है यार, मुझे ये बताया था, मुझे मैंने पढ़ाया कुछ। अच्छा सेल की एंट्री क्या करते हैं, मुझे ये बता दें यार, मैंने अभी बताई है आपको यार, वापिस आता हूँ उस पर, मेरा एक मिनट वापिस आता हूँ इस पे, मैं आता हूँ वापिस जल्दी जल्दी, ये इस पे आ जाता हूँ, चले ये। हाँ जी देखिए, मुझे आप बताएं एंट्री है सेल्स की, क्या एंट्री हो रही है, सेकंड एंट्री देखें सेल्स की, वेट वेट सेल्स की सेकंड एंट्री देखें क्या हो रही है, चले पहली एंट्री बताएं मुझे, पहली एंट्री क्या हो रही है, कहते हैं रिसीवेबल्स। अच्छा मुझे बताएं, मैंने तो कैश यूज नहीं करना है, मैं कैश यूज नहीं करूंगा तो मैं फिर क्या यूज करूंगा, एंट्री करके दिखाएं मुझे जल्दी जरा, अभी मैं इतनी देर से मैं क्या यूज कर रहा हूं, एंट्री कर रहे हैं, एंट्री 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 बताएं, एंट्री एंट्री बेटा मैं करता है, डबल एंट्री बताएं मुझे, बिल्कुल सेल्स की दो एंट्री होंगी, बात याद है आपके सामने ही है, नोट कर लीजिएगा, मैं पहली एंट्री करूंगा जनरल लेजर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, पहली एंट्री क्या होगी जनरल लेजर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, दूसरी एंट्री क्या होगी सेल्स अकाउंट का डेबिट करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम यहां पर क्रेडिट कर रहे होंगे, तो ये दो एंट्री दबाग में फट कर लूंगा, यानी मैं यहां सीवीएस के क्या यूज करूंगा जनरल लेजर, तो जनरल लेजर अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो यहां अगर मैं करूंगी तो एक मिनट यार क्या हो
वेट बेटा ये चल रहा है, चले मैं यहां कर देता हूं। कितने की सेल्स हुई हमारे पास, यहां देख लेते हैं, चले सेल्स हुई है मेरे पास 28,750। डन 28,750, एक मिनट बेटा, 28,750 नहीं जी, ये आपके सामने आ गया, ये आ गया, तो मैं यहां एंट्री करूंगा। अट्ठाईस हजार सात सौ पचास मैंने कहा जनरलाइज्ड अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा और सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा, तो ये जनरलाइज्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स को जाके हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक नई खीर बना लेता हूं यार, क्या नहीं जाना, यहां सेल्स बना लेता हूं, ये सेल्स बन गया, तो सेल्स अकाउंट के यहां जीएल से हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट, अमाउंट वही चला देंगे। कितनी अमाउंट मैंने अभी चलाई इसके अंदर, मैंने कहा 28750 ये वाली अमाउंट बेटा, तो हमने कहा 28750 पहली एंट्री कि जीएल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फिर दूसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, सेल्स को हमने डेबिट करना है। तो ये सारी की सारी वैल्यू कहां ट्रांसफर हो जाएगी, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाके ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में मैं बना रहा हूं, ये पीएनएल बना रहा हूं, तो पीएनएल हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, सेल्स को डेबिट कर देंगे और पीएनएल को हम कितनी अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो एंट्री आपके सामने मैंने कर दी। बात समझ आ गई, यहां तक डन, इज इट डन, क्लियर है बेटा? अब देखेंगे एडमिन सेलिंग कॉस्ट, ये इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट जाना, बताएं क्या एंट्री होगी। एडमिन सेलिंग कॉस्ट हमारे पास 4250 हमारे पास, क्या एंट्री करेंगे, एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस है ना हमारे पास, एडमिन सेलिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इतनी अमाउंट से डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस अमाउंट से डेबिट 4250 ना, तो मैं कहां कर रहा हूं, 4250 से मैं ले, 4250 से मैं क्या करूंगा, ये एडमिन एंड सेलिंग है यार, 4250 से मैं ये इसको डेबिट कर दूंगा, एडमिन एडमिन एंड सेलिंग, और इसका एक अपना अकाउंट बना लेंगे यहां पे, आप कुछ बना लें, ये एडमिन एंड सेलिंग, तो ये पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया हमारे पास 4250, यहां चला जाएगा। बाकी वर्क इन प्रोग्रेस मैंने पीछे भी एंट्री की थी कि सारे का सारा कॉस्ट और सेल जो है वो भी अल्टीमेटली कहां आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। जितना भी कॉस्ट और सेल में बैलेंस बचेगा हमारे पास, जितना भी कॉस्ट और सेल में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जितना कॉस्ट और सेल में हमने एंट्री की है ना यहाँ पीछे, कॉस्ट ऑफ सेल में हमने एंट्रीज की हुई, कितना कॉस्ट ऑफ सेल था मेरे पास, बनाई एंट्री, एंट्रीज नहीं की, खैर हमने फिनिश गुड्स को अल्टीमेटली, ये फिनिश गुड्स था, तो मैंने फिनिश गुड्स को इतनी अमाउंट को कहां ट्रांसफर किया था, फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स का क्रेडिट। फिर जितना भी कॉस्ट ऑफ सेल में अमाउंट होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने ट्रांसफर करना प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, और हम यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। यहां तक कोई मसला है तो बताएं बेटा, इज इट डन, लेंगे अब इसके क्लोजिंग बैलेंस खुद निकाल के देखें जरा, कहां कहां पे कितना कितना बैलेंस आ रहा है, दो मिनट आपके पास है, अरे सब लोग ट्राई करेंगे खुद ही, सवाल आपके सामने है, खुद से एंट्री दोबारा करें, दोबारा कर लें। हां जी थोड़ा टी काउंट टाइप था ना, तो मैं मसला ही हो रहा था इसमें, खुद से ट्राई करें सब लोग। हर एक अकाउंट का बैलेंस निकाल के बताएं मुझे, क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या आ रहा है,
हरी हरी मुझे अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगी कि अकाउंट के कौन कौन से क्लोजिंग बैलेंस बचे हमारे पास। क्लोजिंग बैलेंस आएगा कहां पे हमारे पास? एक तो स्टार्ट हमने लिया था जनरल लेजर में, तो जनरल लेजर में कुछ ना कुछ बच जाएगा। जितनी भी अमाउंट जनरल लेजर में बचेगी वो जनरल लेजर की सारी अमाउंट क्या होगी, वो क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा वहां पे। अच्छा जी, इसके बाद कुछ क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास इन्वेंट्री में बच सकता है, यानी स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस हमने सारा ट्रांसफर कर लिया, पेजेस को हमने सारा ट्रांसफर कर लिया था, प्रोडक्शन ओवरहेड सारा ट्रांसफर हो गया, एडमिन सेलिंग सारा ट्रांसफर हो गए थे। वर्क इन प्रोग्रेस पे भी कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंस बच सकता है आपके पास। फिनिश गुड्स में कुछ स्टॉक बच सकते हो, बाकी कहीं नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर एक और चीज मैं नहीं बता दूं आपको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर जितना भी आपका डिफरेंस बचेगा, क्योंकि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर दो चीजें ट्रांसफर की, एक तो एडमिन सेलिंग भी मैंने ट्रांसफर की ना आपके पास, और एक फिनिश गुड्स की 12,500 की, वो भी हमारे पास आएगा। हमारे पास फिनिश गुड्स बेटा हमारे पास कितनी थी, 22,500 की थी। इधर फिनिश गुड्स ये आगे ट्रांसफर हुई थी ना कॉस्ट ऑफ सेल में, किस रेट पे ट्रांसफर हुई थी कॉस्ट ऑफ सेल में, सवार में देखते हैं। ये 22,500 की रेट हुई आपके सामने, ये ट्रांसफर हुई थी कॉस्ट ऑफ सेल में 22,500 के हिसाब से, और कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होना था हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, तो 22,500 ये 22 हमारे पास 500 कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल से हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारे पास, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 22,500 ये चला जाएगा। 22,500 अल्टीमेटली कहा, ये कॉस्ट ऑफ सेल से आ जाएगा, या नहीं यार, ये 22,500 यहाँ पे, वेट यार, 22,500 यहाँ आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल से आएगा हमारे पास। अब जब इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास समथिंग, तो ये प्रॉफिट हमारे पास कहाँ जाएगा, ये जनरल लेजर से ही आएगा, इसकी एंट्री हम जनरल लेजर से करेंगे, जितनी भी एंट्रीज हम जनरल लेजर से करेंगे, तो ये प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही, प्रॉफिट्स की आ रही, तो जितना भी प्रॉफिट्स आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, ये जनरल लेजर के थ्रू हम इसको ट्रांसफर करेंगे। यानी हम यू कह लेंगे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आ रहा है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और हमारे पास एक दो मिनट बस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जनरल लेजर को हम क्रेडिट कर रहे हैं। डन, जो भी ये डेबिट साइड पे बचेगा तो इसको डेबिट करके जनरल लेजर को क्रेडिट कर दूंगा, अगर ये क्रेडिट साइड पे बचेगा तो इसको क्रेडिट करके मैं जनरल लेजर में जाके डेबिट में डाल दूंगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो भी डिफरेंस अल्टीमेटली निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर जो भी है, वो हम क्या करेंगे, वो जनरल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ जी, आई थिंक यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। डन, अब मैं आता हूं इसके ऊपर, जरा देख लेते हैं, सवाल हो सकता है आपसे। उसने कहा रॉ मटेरियल का वर्किंग प्रोग्रेस का फिनिश गुड्स का स्टोर लेजर का अकाउंट आपने बनाना है, लेकिन 5.2 आपने ट्राई करनी है, यू शुड ट्राई, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा उसका, तो आपने ट्राई करनी है यार, 5.2 को ट्राई कीजिएगा, जरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले भी ये आसान ही सवाल है, ये लाइक ये 5.4 भी मुझे आसान लग रहा है, कुछ इशू हो रहा है डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट कोई सारी चीजें, लेकिन 5.2 आप ट्राई करेंगे, यू शुड ट्राई इन योर होम। मैं आगे हम इंटरलॉकिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम चीजें पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चल जाएंगे इसको। तो आई थिंक आज के लिए ये सफिशिएंट है, काफी आज के लिए, क्या ख्याल है, आज के लिए काफी है यहां तक। 5.2 और 5.4 यू शुड ट्राई, जो नई चीजें होंगी मैं डिस्कस करूंगा अभी नई चीजें होंगी, 5.2 एंड 5.4 यू शुड ट्राई, ठीक है, अभी नई चीजें होंगी वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, बट यू शुड स्पेंड सम टाइम, क्योंकि आज के लिए काफी बेटा, इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक हो गया, चले इंशाल्लाह, वी विल कंटिन्यू टुमारो, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सब लोग, इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।